हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और जब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास 10 का यूनिट 6, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल चैप्टर में हम देखेंगे सारे के सारे एमसीक्यूज़। और ये जो एमसीक्यूज़ होंगे किसके लिए होंगे, टर्म वन के लिए। तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कैसे कर दिए हैं, टाइप वाइज कर दिए हैं। मतलब सोचिए कितना अच्छा होने वाला है आपके लिए कि सारे क्वेश्चन टाइप वाइज, मतलब अगर जिस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए उसमें वही सॉल्यूशन लगाना है, ये बड़ा ईजी हो जाता है। और साथ ही में हमने क्या किया, इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन है वो हम कैसे किए हैं कि इजी टू हार्ड मूव करेंगे। पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे क्वेश्चन धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं भाई हमारे टाइप वन पे। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। एक आदमी है जो वेस्ट में जाता है कितना, 15 मीटर। एंड देन उसके बाद 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, उसके बाद फिर वो नॉर्थ में जाता है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहला काम, जब भी कभी ऐसा तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कहाँ कहाँ भटकोगे, इधर जाओगे कि उधर जाओगे, कि ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे। तो भाई जो इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ। NEWS, न्यूज़। ठीक है, अच्छा तो अब भैया ये आदमी था, जो आदमी हो, कोई लड़की हो, कोई बच्चा हो, कुछ भी हो, उसको यहाँ बीच में बैठा दिया करो। ठीक है, उससे बोलो चुपचाप यहीं बैठ जाओ, वो बैठ जाएगा। अब पढ़ते जाओ क्वेश्चन। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। अब वेस्ट कहाँ दिख रहा है, आदमी तो यहाँ बैठा है, वेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये भाई साहब यहाँ से उठ के ये यहाँ चले जाएंगे, कितना जाएंगे, 15 मीटर चले गए। मतलब वो यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गए। ठीक, एंड देन 8 ड्यू नॉर्थ। अब वो नॉर्थ जाएंगे, नॉर्थ कितना जाएंगे भाई, 8 मीटर। तो यहाँ से उठाओ इनको, नॉर्थ ले जाओ, नॉर्थ तो ऊपर है ना यहाँ पे, तो ये पहुँच गए 8 मीटर। अब क्या करो, यहाँ तक पहुँच गया वो। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ फार, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये पूछ रहा है कि भैया जो स्टार्टिंग पॉइंट था इससे कितनी दूरी पर है, ये बताना है हमको। अब बड़ी सिंपल सी बात, अभी डायरेक्शन वगैरह सब अलग कर दो, इनका काम हो गया, अब हमको इनसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ना कोई दिक्कत ना कोई मतलब। अब देखो कैसे निकलेगा, अब ये समझो, ये दिख रहा होगा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब लोग नहीं, बड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बनाइए, तो बड़ा बनाते हैं। देखो भाई ये 8 है, ये 15 है, मुझे ये निकालना है, इसको ले लूँगा मैं एक्स। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये 90 डिग्री था, क्योंकि यहाँ से वो सीधा चला था ना ऐसे, तो 90 डिग्री। अच्छा, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री समझ रहा हाइपोटेनियस, तो इसको ले लो एक्स। अब बाकी जो बच जाए उनको ले लो, तो किसी को भी ले लो, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक, दोनों को ऐड कर दो भाई, 64 प्लस 225 आएगा 289। ठीक, अच्छा यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। अब बताइए 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो 17 स्क्वायर। 17 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिल जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 17। मतलब वो आदमी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 17। तो ये सी वाला हमारा आंसर आया, समझ में। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन में आते हैं। अब आते हैं भाई हमारे टाइप वन के सेकेंड क्वेश्चन में, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है देखिए, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक लड़की है भाई जो कहाँ पर जा रही है, ईस्ट में जा रही है, कितने मीटर, 200 मीटर। एंड देन उसके बाद 150 मीटर कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ चली गई। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें उस लड़की की स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है। बड़ा ही सिंपल सा बात है, वीडियो को पॉज कर दो, खुद से कर कर देखो। ठीक, क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप क्या करो डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ ईस्ट
वेस्ट साउथ, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक क्लियर। उस लड़की को बैठा दो भाई यहाँ बीच में, अब इससे बोलो चलो, तो अब ये चलेंगी। कहाँ जाएंगी? अ गर्ल वॉक्स 200 टुवर्ड्स ईस्ट, अब ये ईस्ट तरफ जाएंगी। ईस्ट कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो बैठी यहाँ थी, यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगी, तो ये चलने लगी ईस्ट की तरफ। कितना चल गई? 200 मीटर चल गई कि नहीं बताओ। अब वो यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई। अब उसके बाद देन 150 मीटर नॉर्थ, अब नॉर्थ निकल जाएंगी, तो नॉर्थ तो ऊपर है ना देखो, तो ये निकल गई 150 मीटर नॉर्थ। आ रहे समझ में? अब उन्होंने पूछा था डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये लड़की जो थी चल चल के भाई यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब हमें डिस्टेंस बतानी है, तो भाई इनकी डिस्टेंस बता दो कितनी है, मतलब मुझे ये बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस ये तो ही ना, तो बता दो। अब क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात, डायरेक्शन हटा दो, डायरेक्शन का काम हो गया, इतना ही काम था इनका, तो इनका हमने हटा दिया। अब देखो ध्यान समझना भाई, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से हमारा हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर 150 स्क्वायर, बेस 200 स्क्वायर, ऐसे याद रखा करो 90 डिग्री से हमारा हाइपोटेन्यूस, उसको बस ले लो, बाकी सारे कोई भी कहीं पर भी रख दो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर देखो, जीरो यहाँ पर भी, जीरो यहाँ पर भी, अभी इस जीरो को भूल जाओ, तो ले लो 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 625, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अभी जो 625 होता है ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो ये वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या हो गया कट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। अब 25 तो आ गई, पर देखो यहाँ पर एक जीरो हम ये भूल गए थे ना लगाना, वो जीरो लगाओगे भी तो वो जीरो लगा दो, तो कितना आंसर आया 250, कहाँ दिख रहा है आपको 250 मीटर, ये बी वाला हमारा आंसर आया समझ में। ऐसे हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है इतना, समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें क्या बोला है बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अ लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, लैडर मतलब क्या होता है सीढ़ी, नसैनी है ना, जिसमें चढ़ के अपन पुताई वगैरह करते हैं, जाले निकालते हैं मकड़ी के, वो वाली नसैनी, ठीक है, दैट इज व्हाट लैडर, ठीक। 10 मीटर लॉन्ग, कितने मीटर लॉन्ग है भाई 10 मीटर लॉन्ग, रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, एक विंडो है, विंडो कहाँ पर लगी होती वॉल पे, तो वॉल पे विंडो लगी है, वो जो विंडो है वो 8 मीटर अबव है ग्राउंड से। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज, तो हमसे पूछा है डिस्टेंस बताओ, किस किसकी डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बता दो किसकी, फुट ऑफ द लैडर, लैडर के पैर, ठीक, और द बेस ऑफ द वॉल, और वॉल का जो बेस है उसकी डिस्टेंस बतानी है, बिल्कुल ध्यान समझना। देखो भाई ये है वॉल, ठीक है, ये है वॉल और ये है बेस, ठीक क्लियर है इतना। ये वॉल में, ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल में हमने लगा दिया लैडर, लैडर मतलब नसैनी, हमने कहा चढ़ेंगे इस वॉल के ऊपर, चढ़ते गए भाई, ये नसैनी बना दी हमने, ठीक, लग गई सीढ़ी, चढ़ते जाओ। अब जैसे ही चढ़ोगे तो देखो लैडर दी है, लैडर कितने मीटर लॉन्ग दी है 10 मीटर, ये वॉल है, वॉल दी है क्या 8 मीटर है बब, तो वॉल दे दी, ठीक। अब बचा क्या, ये बेस, ये दिया है क्या, ये नहीं दिया भाई, ठीक नहीं दिया। अब देखो ध्यान समझना, ये हमको निकालना है, उसने बोला है नसैनी, ये जो नसैनी थी, जो लेटर थी, इसका पैर ये है और जो वॉल है ये है ना, क्या बोला था बेस ऑफ द वॉल, इस वॉल का बेस ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, बता दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कैसे भाई 90 डिग्री सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे समझ में, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, इज इट क्लियर। 10 स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64,
बेस तो हमको पता ही नहीं है, प्लस 64 यहाँ से वहाँ घूम के जाएगा तो बेचारा माइनस का हो जाएगा। ठीक, 100 माइनस 64 बताओ क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, बेस को वैसे ही लिख दो, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कट, तो जो बेस है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई कि नहीं आ गई बताओ। ये हमारा आंसर है, ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारे टाइप सेकेंड में, क्लियर इतना, चलो बढ़िया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट मतलब आना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। अब इस क्वेश्चन में है क्या समझना, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है, क्या सिंपल है समझना, देखो हमने ये पढ़ा है ना, अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूँ तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, अगर साइड इंटू साइड करते हो तो स्क्वायर का एरिया निकल आता है कि नहीं, इस रिलेशन को ध्यान रखना, इसको ध्यान रख लिया मतलब समझ लो ये क्वेश्चन बन जाएगा, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, भाई साइड छोटी होती है एरिया बड़ा होता है, साइड चाहती है मैं एरिया के इक्वल हो जाऊँ तो क्या करेगी, अपनी पावर टू लगा लेगी। ठीक, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बच्चे क्या करते हैं एरिया स्क्वायर साइड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक, समझ गए, अब क्वेश्चन पढ़ो। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक, उनका जो रेशो है वो क्या है, 4:9 है, किसका, साइड्स का। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर, तो इनका एरिया का जो रेशो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो साइड्स का रेशो दिया हुआ है, कितना दिया है, 4:9, क्लियर समझ में आ रहा है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9, साइड का रेशो दे दिया 4:9, किसका रेशो पूछा है, एरिया का, बता देंगे एरिया का रेशो क्या होगा भाई, देखो होल स्क्वायर लगा था तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का रेशो 81 आ गया, ये हमारा आंसर 16:81 कहाँ है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये डी वाला हमारा आंसर, बताओ आया समझ में, ऐसे करने इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और चीज़ें देखेंगे, आते हैं भाई अपने टाइप टू के सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें क्या बोला है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमने अभी सीखा क्या, इसके पहले जो एरिया का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है साइड के रेशो के स्क्वायर के। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ो, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 and 49, अब इस बार क्या दे दिया गया, एरिया, एरिया दे दिया गया, तो एरिया की जगह पर रख देंगे इनको, पर क्या रखेंगे, रेशो, तो रेशो क्या होता है, 81:49। ठीक, क्लियर, अच्छा अब आप बोलोगे क्या अगर पहले 49 रख दे या बाद में 81, तो देखो क्या लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले दिया उसको पहले रखना, जो बाद में दिया उसको बाद में रखना। ठीक, अच्छा अब आओ क्या पूछा है, देन द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, अब आप बोलोगे आपने तो भैया साइड बताया था, यहाँ मीडियंस आ गई, अब क्या करें, तो कोई बात नहीं भाई, चाहे साइड बोलो, ठीक, चाहे इसकी जगह पर मीडियन बोलो, ठीक, या इसकी जगह पर पेरीमीटर बोलो, बात एक ही होती है। ठीक, साइड बोलो तो भी वही चीज़, मीडियन बोलो तो भी वही चीज़, पेरीमीटर बोलो तो भी वही चीज़, तो इस बार हमसे क्या पूछा, मीडियन, तो बता देंगे साइड मीडियन, ठीक है वही है, अच्छा तो हमने इस बार रख दिया यहाँ पे भाई मीडियन, क्लियर, अच्छा अब देखो अगर मैं इसको कट करूँ, ठीक, तो कट तो होगा नहीं, क्लियर, अब अगर देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो इनको भी क्या मैं स्क्वायर के फॉर्म में ले सकता हूँ, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, होल स्क्वायर लगा दूँ, ठीक, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि भाई ये जो स्क्वायर था ना और ये वाला स्क्वायर, ये कट जाएंगे। ठीक, तो क्या आ गया, 9:7 जो आ गया वो मीडियन का क्या आ गया, रेशो, क्या आ गया मीडियन का, रेशो। ठीक, तो बताना था हमको, इन द रेशो ऑफ द मीडियन इज व्हाट, 9:7, ये हमारा आंसर सी वाला, बताओ आया समझ में, मीडियन पूछे, साइड पूछे, पेरीमीटर पूछे, सब एक ही बात है।
ठीक, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई, इसी टाइप के, थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट बनाते हैं। अब आते हैं भाई टाइप टू के थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, क्या सीखा हमने कि भाई जो एरिया होता है वो इक्वल होता है किसके, साइड के स्क्वायर के। ऐसा कब, रेशो दिया हो तब भी ऐसा होता है। तो रेशो ऑफ एरिया इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, क्लियर। अच्छा अब सुनो भाई, एरिया दिया है क्या, देख लो क्वेश्चन पढ़ लो पहले, द पेरीमीटर। अब आप बोलोगे लो पेरीमीटर कहाँ से आ गया, तो याद करो उसके पहले ही वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि भाई साइड बोलो, पेरीमीटर बोलो, मीडियन बोलो, सब एक बात है। तो हमने कहा ठीक है, मतलब साइड मतलब पेरीमीटर का ही कुछ है। चलो पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 एंड 39। उसने बोला कि पेरीमीटर जो है दो सिमिलर ट्रायंगल का वो 26 और 39 है। तो हमने कहा पहले तो इनको रेशियो के फॉर्म में रखो, तो 26 अपॉन 39 हो गया होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे रख दिया। पूछा है द रेशो ऑफ द यर एरियाज विल बी, तो हमसे पूछा है रेशो ऑफ एरिया क्या होगा ये बताना है, बता देंगे। कैसे बताओगे बताओ भाई, जरा कान को जा रहा है। बताओ क्या करेंगे। देखो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात, काट दो इसको, 13 कटेगा क्या, पहले तो कटेगा तो देख लो, 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, स्क्वायर को वैसे ही रहने देना, ठीक, कट रहा हो तो काट देना। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया भाई एरिया का रेशो, क्या आ गया एरिया का रेशो, 4:9। कहाँ दिख रहा है ये डी वाला हमारा आंसर, क्लियर, इतना आया समझ में। इसके आगे आते हैं भाई, अब आते हैं भाई हमारे टाइप थ्री में। इस टाइप थ्री को करने से पहले हम इन दोनों से दोस्ती कर लेते हैं। इसको बोलते हैं भैया थेल्स थ्योरम, क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। इसका एक और नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या होती है समझना, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो दुनिया का, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल, बिंगो मैट ट्रायंगल्स वो भी ले लो, है ना, वो भी चल जाएगा। अब जब हमने ये ट्रायंगल लिया तो भाई इस ट्रायंगल में कितनी साइड है, 1 2 3, किसी के भी पैरेलल, कोई सी भी साइड ले लो उसके पैरेलल। मार्कर कहाँ है, मार्कर कहाँ है, ये तो ये तीन साइड दी हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी साइड को ले लो। तो हमने कहा ये वाली ले लेते हैं, इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो ये यहाँ से जाएगी, ठीक, ये जो लाइन है इस ट्रायंगल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी करेगी। अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी था और जिस पॉइंट पे कट किया वो पी क्यू था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन एल थी, ये लाइन एल गई, ये लाइन एल पैरेलल है किसके, बी सी के। ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल मतलब क्या होता है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इन लोगों ने समझौता कर लिया कि नहीं भाई कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक, अच्छी बात है। अब सुनो, तो ये जो थेल्स थ्योरम कहती है कि जो इनका रेशो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, तो किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन इस ट्रायंगल की जो दो साइड्स बच गई उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। कैसे, देखो ए पी अपॉन पी बी इक्वल, ए पी के अपॉन में पी बी आ गया, तो यहां पर जो ए पी है वहीं पर रिस्पेक्ट में ये क्या है ए क्यू, और पी बी के रिस्पेक्ट में यहां क्या है क्यू सी। पहली चीज, ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड आ जाओ भाई, ए पी हमने ले लिया, यहाँ पे ए पी हमारा मन किया ए पी लेंगे, ए पी ले लो, हमारा मन कर रहा है ए बी लेने का, पूरी की पूरी ए बी, तो ध्यान से देखते जाना, ए पी ए पी के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या है ए क्यू है कि नहीं है, है। इस ए बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है भाई, पूरी की पूरी ए सी,
तो इस साइड देखो, जो दिया हो वही साइड देखो और वही रख दो। क्लियर? अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं ए बी अपॉन पी बी तो बताओ क्या होगा? सोचो जरा, मैंने बोला ए बी, तो ए बी के रिस्पेक्ट में यहां पर क्या है, इस साइड क्या है, ए सी। यहां मैंने बोला पी बी, तो ये देखा भाई पी बी। पी बी के रिस्पेक्ट में यहां क्या है, क्यू सी। है कि नहीं है बताओ, है ना? बस यही कहती है थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर? इतना आया समझ में? ठीक, नोट कर लेना। इसमें एक चीज़ और समझ लो, वो क्या भाई? देखो, इसमें ये जो पी क्यू होती है, पी क्यू, अगर मैं बोला पी क्यू अपॉन बी सी करो, ध्यान समझना, पी क्यू अपॉन बी सी करो, तो आप बोलोगे ये पी क्यू है, इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा? एक तो ये ए पी आएगा, इस साइड वाले में आ गया ए पी, उस साइड वाले में क्या आएगा, ए क्यू आएगा, आ गया ए क्यू। अच्छा, अब ये दिया है बी सी, तो बी सी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये पूरा ए बी, तो ये आ गया पूरा ए बी। यहाँ पर क्या आएगा, पूरा ए सी। तो देखो क्या बन गया, पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू के रिस्पेक्ट में ए पी, और ये बी सी रिस्पेक्ट में पूरा ए बी, तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल। ध्यान से सुनना, पी क्यू के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या आएगा, ए क्यू, और इस बी सी रिस्पेक्ट में यहाँ क्या आएगा, पूरा ए सी। ठीक है, तो आई होप कि थेल्स थ्योरम समझ में आया होगा। अब इसका यूज़ कहाँ होता है वो देखते हैं। आते हैं भाई टाइप थ्री में। ठीक है, टाइप थ्री के फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो अभी हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा, वो उसका यूज़ क्या है ये समझते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर है वो देखते हैं। ठीक, देखो यहाँ सुनना, इन फिगर, ये फिगर दे दिया गया हमको, डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब ये जो डी ई है पैरेलल किसके हैं, बी सी के, है कि नहीं बताओ, है। यही तो हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी एक साइड्स के कोई अगर पैरेलल लाइन जाती है तो थेल्स थ्योरम लगती है, लगेगी। ए डी कितना दिया है, थ्री, तो यह है ए डी थ्री। बी डी कितना दिया है, फोर, तो बी डी कितना दिया है, फोर। बी सी कितना दिया है, 14, मतलब ये पूरा का पूरा कितना है, 14। तो हमें बताना है देन डी ई, तो ये डी ई क्या होगा, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये वाली जो डी ई है, डी ई इसके अपॉन में अगर मैं बी सी रख दूं, तो ये डी ई किसके रिस्पेक्ट में आएगी, इस ए डी के रिस्पेक्ट में आएगी कि नहीं, और ये बी सी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, इस पूरे के रिस्पेक्ट में आएगी, मतलब ए बी आ जाएगा। डी ई कितना दिया है देखो, एक्स, बी सी कितना दिया है, 14, ए डी, ए डी कितना दिया है, ए से डी तक, 3, ए बी, तो आप देखोगे ए बी ये पूरा है, ये पूरा, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक चलेंगे भाई, पहले 3 चलेंगे फिर उसके बाद 4, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7, तो ये आ गया 7। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 इंटू 14, ये चला गया 14, वहाँ 7 बन गया 7, 7 2 जा 14, तो क्या आया, 3 × 2, 3 × 2 मतलब 6, तो ये 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है। ठीक, तो ऐसे लगता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये होता है किस केस में, जब ये दिया हो, तो डी अपॉन बी सी इक्वस टू ए डी अपॉन ये पूरा। ठीक, अब आप बोलोगे इस साइड क्यों नहीं लगाया भैया, इस साइड इसलिए लगाया भाई कि देखो इस साइड कोई वैल्यू दी थी क्या, नहीं दी थी, जब इस साइड वैल्यू नहीं दी तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्यों। क्लियर? अब आते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो फिर से वही ट्रायंगल दे दिया और क्या बोल दिया, डी पैरेलल टू बी सी, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई, ये तो ज़रूरी है कि ये तो होना ही चाहिए, तभी थेल्स थ्योरम लगेगा। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या सीखा था हमने, अगर मैं ए डी अपॉन डी बी रखता हूँ, ध्यान से देखना, ए डी अपॉन डी बी रख दिया, तो ए डी के रिस्पेक्ट में वहां पर कौन है कि नहीं बताओ, और इस डी बी के रिस्पेक्ट में वहां पर कौन है, ई सी, है कि नहीं बताओ,
भाई डीबी के रिस्पेक्ट में ई सी है कि नहीं, और एडी के रिस्पेक्ट में ए ही है कि नहीं, है ना। अब देखो एडी की वैल्यू क्या है भाई, 8, डीबी की वैल्यू क्या है 4, ए ई की वैल्यू क्या है एक्स, और ई सी की वैल्यू क्या है 6। ठीक, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इस एक्स की, निकालो। डिवाइड की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो 8/4 इंटू 6 हो जाएगा कि नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। तो देखो यहाँ से समझ लो, ये एक्स था, एक्स यहीं रह गया, ये डिवाइड का 6 था, मल्टीप्लाई में चला गया, सो 8/4 इंटू 6, कट कर दें, कट करो। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4 इंटू 3 कितना होता है 12। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा 12। आया समझ में, तो ये जो है ये एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 12। बड़ा ही सिंपल है, समझने की कोशिश करो, 4 का डबल कितना होता है 8, 4 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 मिल जाएगा, जैसा ही है वैसे ही तो ये भी है ना, तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करूं जो यहाँ किया, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करूं, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, डायरेक्ट आंसर, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आ गए भाई टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 1 में, बिल्कुल ध्यान समझना इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर होता क्या है समझना। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर, आपने ज़ीरो देखी है, ज़ीरो उसमें एक बड़ा शाहरुख खान होता है, एक छोटा शाहरुख खान होता है, देखो दिख रहा है, एक बड़ा शाहरुख खान एक छोटा शाहरुख खान। ठीक, अब जो छोटा वाला है और जो बड़ा वाला है, ऐसा तो नहीं है कि भाई जो लेंथ होगी वो कुछ भी बढ़ा दी होगी, नहीं, हर एक चीज़ प्रॉपर रेशो में इंक्रीज हुई होगी, समझना। जैसे एक छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक, मैंने बोला ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, मैंने कहा मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ इस वाले ट्रायंगल को, तो जब ये ट्रायंगल बड़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ रेशो लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने कहा भाई मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाली साइड को मैं 6 बना दूंगा, तो देखो 2 × 3 कितना हुआ 6, अब हर एक साइड उसी रेशो में बढ़ेगी, 2 × 3 6 हुआ, तो अब 4 × 3 कितना होगा 12, 6 × 3 कितना होगा 18, तो ये हो जाती है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। आया समझ में, इसे कहते हैं सिमिलर। सिमिलर कब होगा, जब कोई भी चीज़ प्रॉपर रेशो में बढ़े, प्रॉपर रेशो में इंक्रीज हो, अगर एक में जितना बड़ा है उतना ही सब में बढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं तो होगा क्या, एक हाथ छोटा रहेगा एक हाथ बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होने लगेगा, क्लियर। अब जरा इस चीज़ को ध्यान समझो, अगर मैं इसको उल्टे तरीके से बताऊं कैसे, देखो अगर मैं बोलूं 2/6 करो, अगर मैं बोलूं 4/12 करो, अगर मैं बोलूं 6/18 करो, तो आप देखोगे सारी साइड्स के रेशो क्या आएंगे, सेम आएंगे, आएंगे ही क्यों नहीं आएंगे, क्यों, देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, आ रहे हैं सेम कि नहीं आ रहे, सेम आएंगे ही, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई उसी रेशो में किया था, 2 को 6 बनाया था, 2 को 6 कैसे बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो सब में 3 से करो। अब आप बोलोगे अच्छा क्वेश्चन में कैसे आता है, क्वेश्चन में कैसे आता है, देखो भाई ये लिखा है ट्रायंगल एबीसी इज सच दैट, ट्रायंगल एबीसी ऐसा है, कैसा है ऐसा, अब जिसमें एबी कितना है 3, पहले नाम तो दे दो भैया, ये एबीसी, एबीसी ऐसा है जिसमें एबी कितना है 3, हमने कह लो 3, बीसी कितना है 2, हमने कह लो 2, बीसी 2, सीए कितना है 2.5, हमने कह लो 2.5। ठीक, ये सिमिलर है इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ए टी बी ई सी एफ, जो जहां जहां है वहीं वहीं बनाना भैया, उसके रिस्पेक्ट में ही बनता है, एक रिस्पेक्ट में क्या बनेगा डी, एक रिस्पेक्ट में बन गया डी, बी के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा ई, बी के रिस्पेक्ट में बन गया ई, सी के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा एफ, सी के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा एफ, बन गया। उसने बोला है कि ई एफ कितना है 4, ई एफ कितना है 4, तो बोला है कि ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर बताओ, उस पर बाद में आते हैं, पहले एक चीज़ बताओ, इस 2 को मैंने 4 बना दिया, तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा 2 को 4 बनाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा कि नहीं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है और कह रहा है कि सिमिलर है, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा,
तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा 6, 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। उसने बोला है पेरीमीटर बताओ, किसका पेरीमीटर, DEF का। अब आप बोलोगे पेरीमीटर क्या होता है भैया, तो पेरीमीटर होता है मेरे भाई इस ट्रायंगल की सारी साइड्स को जोड़ दो, सबको ऐड कर दो तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल आता है। पेरीमीटर मींस व्हाट, सम ऑफ ऑल इट्स बाउंड्री, सारी बाउंड्री को ऐड कर दो। हमने कहा ऐड कर देंगे, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15। तो ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर कितना है 15, तो ये हमारा बी वाला आंसर है। बताओ आया समझ में, क्लियर, इतना बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो अभी अपन ने पढ़ा सिमिलरिटी के बेस पर, बिल्कुल ध्यान से समझना, देखने से कहीं समझ में नहीं आएगा कि सिमिलरिटी लगी हुई, कहीं लिखा भी नहीं सिमिलरिटी, ना कोई ट्रायंगल की बात करी है, पर बिल्कुल ध्यान से देखो। अब वर्टिकल स्टिक, एक वर्टिकल स्टिक है, मतलब ये एक छड़ी है, खड़ी हुई छड़ी, ठीक है, वर्टिकल स्टिक, एक डंडा समझ लो, वो कितने मीटर लॉन्ग है भाई, 20 मीटर लॉन्ग है, तो ये 20 मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक। कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग, अब ये डंडा है भाई तो परछाई लगेगी, तो कहीं ना कहीं शैडो बनाएगा, तो इन भाई साहब ने अपनी ये शैडो बना ली, नीचे जमीन पे बनती शैडो, तो ये बन गई शैडो, ठीक। जो शैडो है वो कितने मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर। तो वो हमसे पूछ रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कॉज अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग, उसी समय एक टावर है, हमको नहीं पता वो टावर कितना बड़ा है, हम उसके बारे में नहीं जानते, पर उसने ये बताया कि उसी टाइम पर जो टावर है उसकी जो शैडो है वो कितनी है, 50 मीटर। बताओ आया समझ में, स्टिक थी उसकी शैडो 10 मीटर, टावर है उसकी मीटर, उसकी जो शैडो थी वो 50 मीटर। हमसे ये पूछा है कि भाई हाइट ऑफ द टावर बता दो, तो हमने कहा देखो भैया सूरज दोनों के लिए जैसा निकला है, उसी टाइम पर ये जो हो रहा है उसी टाइम पर ये भी हो रहा है, तो खुद देखो अंदाज़ा लगाओ कि अगर ये 10 है इसकी हाइट कितनी थी 20, तो उसकी शैडो कितनी बनी 10, मतलब इसकी हाफ, मतलब अगर इस 10 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसकी हाइट मिल जाएगी, तो शैडो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 मिल जाएगा, वैसे ही अगर इसकी शैडो को मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सूरज तो दोनों के एक जैसा है, परछाई तो उतनी ही बनेगी, उसी रेशो में बनेगी, तो 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा भाई 100 मीटर। ये हमारा आंसर डी वाला, बताओ क्या आपने सोचा था इतना ईजी होगा, इतना ही ईजी है, क्यों, क्योंकि भाई जब शैडो बनती है तो सेम रेशो में बनती है, मेरी जिस रेशो में बनेगी तो कोई और खड़ा है तो उसकी भी उसी रेशो में बनेगी, आया समझ में, क्लियर है इतना। तो जब भी कभी शैडो बनती है तो सेम रेशो में बनती है, मेरी जितने में बनेगी, कोई और भी चीज़ है उसकी भी उसी रेशो में बनेगी, तो रेशो में बनती है, क्लियर, आया समझ में। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइप फाइव समझने के पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसके बेस पर हम टाइप फाइव के क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई बिल्कुल ध्यान सुनते जाना, ठीक है, ये भाई साहब एक ट्रायंगल है, मतलब ये जो है ना ये एक ट्रायंगल है, देखो देखा ट्रायंगल, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ए सी है इस ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो मैं कहूँगा ए सी परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये ए सी इस ए बी पर परपेंडिकुलर, तो मतलब मैं ये कह दूँगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से इस ए से सामने एक एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऐसी लाइन जो सामने वाले पर परपेंडिकुलर हो, ठीक, तो मैं कह सकता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने डी, तो क्या मैं कह सकता हूँ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर ये कंडीशन आ जाए कि ये भी परपेंडिकुलर और ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर होगा, ठीक, तो यहाँ पर इस ए डी की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए या कुछ भी पूछा जाए इनमें से, तो रिलेशन याद रखना, इस ए डी का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि ए डी इंटू ए डी, ए डी इंटू ए डी
इक्वल होता है बी डी इंटू टी सी के, ठीक। तो याद रखना ए डी इंटू ए डी, इसी ए डी में सी डी का मल्टीप्लाई, मतलब कि ए डी स्क्वायर, ए डी इंटू ए डी इक्वल होता है इस बी डी इंटू डी सी के, मतलब यहाँ पे जो हो वो और यहाँ पे जो हो वो उनका मल्टीप्लाई करो तो वो मिलेगा जब इसका दो बार मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, मतलब इसका स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी, आया समझ में, ठीक। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन करेंगे। अब आगे भाई टाइप है क्वेश्चन नंबर वन में, जिसमें क्या बोला है बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ट्रायंगल एबीसी, हमने कहा ठीक है ये बना लिया हमने ट्रायंगल एबीसी, ठीक। एंगल बी पर क्या है 90 डिग्री, तो मैं बोलूँगा अगर ये एबीसी है भाई तो बी पर कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री। एंड बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, ये एसी है, इस एसी पर कौन परपेंडिकुलर, बीडी पर, डी तो कहीं दिख नहीं रहा, डी आएगा ना, जब हम इसको परपेंडिकुलर करेंगे तो ये हमको क्या दिख जाएगा, डी दिख जाएगा, आया समझ में, ठीक है डी है ये, जीरो में समझ लेना डी, क्लियर। उसने बोला एसी कितना है 9, देखो पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा एसी कितना है ये 9, एसी देखो लिखा है ना एसी कितना है 9, मतलब पूरा 9 हो गया। एडी, एडी कितना है भाई 3, अब खुद सोचो ये पूरा 9 है ये हमको 3 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं, भाई पूरा 9 है उसमें से ये पार्ट 3 है तो ये 6 होगा कि नहीं, 3 प्लस 6 तभी तो 9 आएगा, क्लियर। हमसे पूछा है क्या बताओ, देन बी डी, ये बताओ बी डी, ये तो अब भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इस बी डी का इसी बी डी में मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिलता है ए डी इंटू, बोलो अच्छा कहाँ से बोल पाओगे आप लोग, तो ए डी इंटू डी सी, ठीक। चलो बी डी इंटू बी डी भाई बी डी स्क्वायर, ए डी इंटू डी सी इसी चीज़ को मैंने फिर से ऐसे लिख दिया, ठीक समझ गए। अच्छा अब देखो भाई बी डी, बी डी क्या है पता नहीं, बी डी तो निकालना ही है इसी की तो दिक्कत है, बी डी मतलब बी डी। ए डी कितना है भाई, ए डी है 3, डी सी कितना है, डी सी है 6, 3 6 18, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी इक्व बी डी स्क्वायर इक्व टू 18, स्क्वायर हटेगा सामने क्या लग जाएगा रूट, रूट 18 क्या होता है, रूट 18 क्या होता है, 18 क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, 2 इंटू 9 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3, इस 3 का क्या बन जाएगा पेयर, तो 3 बाहर निकल आएगा अंदर क्या बचेगा रूट 2, तो जो बी डी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3 रूट 2, कहाँ दिख रही 3 रूट 2, ये बी वाला हमारा आंसर, इस पर टिक करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, बताओ आया समझ में। टाइप 6 में, इस टाइप 6 में क्या बोला है ध्यान समझना, बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, किसकी बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है पता है क्या, नहीं पता तो देखो, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, जैसे अगर मैंने कहा भाई ये 8 तो ये भी 8 तो ये भी 8, ठीक, तो ये बन गया क्या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड कितनी है भाई 8 है, क्लियर। अब उसने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है, अभी एल्टीट्यूड क्या होता है बताया था मैंने आपको कि ऊपर वाले पॉइंट से सामने वाले पर परपेंडिकुलर कर दो, वो कहलाता है एल्टीट्यूड, मतलब ये जो भाई साहब है ना ये वाले ये हो गए हमारे एल्टीट्यूड, इनका एल्टीट्यूड देखो खाली, आप जाएंगे तो 90 डिग्री पे जाएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, तो ये है इनका एटीट्यूड, इसलिए ये है एल्टीट्यूड, सामने वाले पर परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर आया समझ में। अब जब ये परपेंडिकुलर होते हैं कब, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो सामने वाले को दो अलग अलग भाग में बांट देते हैं, मतलब अगर ये साइड 8 थी, अगर ये साइड पूरी की पूरी 8 थी तो जैसे ही ये एल्टीट्यूड भाई साहब आएंगे बंटवारा करवा देंगे, बोलेंगे चलो बंटवारा कर लो तो बंटवारा हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, आया समझ में, बताओ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ, आ गया। चलो अब देखो ध्यान समझना,
मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, इस वाले की, इस वाले ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल, ये भाई, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 4, ये 4, ये 8, ये 8, बताओ क्या मिल गया? राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। बता दें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, मतलब इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं कि नहीं, ये परपेंडिकुलर तो एल्टीट्यूड है, बताओ। 90 डिग्री से मिला हाइपोटेनियस, स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर पता ही नहीं है, बेस स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, पी का स्क्वायर क्या होता है बताओ, पढ़े हैं पी की टेबल, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये 16 भाई साहब लौट के यहाँ आ गए, माइनस क्यों जाएंगे, अरे चमत्कार होने वाला था, पी स्क्वायर 16 लौट के यहाँ पे 61 बनने वाला था, ठीक है, तो ये 16 हो गया, 64 में 16 जाएंगे कितना बचेगा बताओ भाई, 14 में से 6 जाएंगे बचेगा कितना, 8 है ना, 14 माइनस 6 बचेगा कितना, 8, इन भाई साहब ने इनको एक दिया था तो बचेगा 5, 5 में से जाए तो कितना बचेगा, पी 48, जैसे ही मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, अंडर रूट 48 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, चेक कर लो, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, क्लियर, पेयर बनाओ भाई, ये पेयर एक बना, ये पेयर एक बना, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, तो ये 2 और ये 2 बाहर निकल गए, अंदर क्या बच गया, रूट 3 बच गया कि नहीं बच गया, तो 2 टू जा कितना होता है, 4 रूट 3, ये हमारा आ गया आंसर, सी वाला, 4 रूट 3, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, रूट 3 इंटू साइड अपॉन 2, ये निकलता है एल्टीट्यूड, क्या निकलता है, एल्टीट्यूड, किसका एल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर आपको साइड दी गई है और आपसे पूछा जाए भैया एल्टीट्यूड की लेंथ बता दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो बता देना, कैसे बताओगे, रूट 3 रख दो, रूट 3, साइड कितनी है 8, रख दो भाई 8, काटो 2 से, 2 से काट डालो, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, आंसर क्या आ गया, 4 रूट 3, टिक कर देना, ख़त्म, ऐसे निकल जाएगा, क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब आते हैं भाई हमारे टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें हमसे क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, देखो, इफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, एक हमारे पास ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है भाई, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ टू साइड्स इक्वल हो, जैसे मैंने कहा भाई ये 8, ये 8, पर ये बेचारी 10 हो गई, तो टू साइड्स इक्वल तो आइसोसेलिस, 3 साइड्स इक्वल तो इक्विलेटरल, ठीक, आप समझ गए हो गए, अच्छी बात है, ठीक। तो उसने कहा भैया एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है ABC, हमने कहा चलो अच्छा, दिमाग में इतना तो आया कि टू साइड्स इक्वल होंगी, आइसोसेलिस है, तो उसने बता दिया कि AC और BC इक्वल है, हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, एंड AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, क्लियर, तो हमें ये समझ में आया, तो क्या इसको मैं यहाँ पर लिख लूँ, ठीक, हमसे पूछा है देन द मेजर ऑफ द एंगल सी, एंगल सी का जो एंगल सी है, इस ट्रायंगल में जो एंगल सी है हमको वो बताना है, तो देखो AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर लिखा है, मतलब मैं इसको बोल दूंगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बोल दूं, बताओ। अब इन भाई साहब ने बोला था AC क्या है, BC है, जो AC है वही BC है, मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर ने दिया, और ये AC है, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, ठीक, मतलब वही गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, क्लियर। अब देखो भाई बिल्कुल ध्यान से समझना, समझोगे, अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो ये तो मुझे वो वाला फॉर्म दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम वाला, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देखा कि नहीं देखा, देखा, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या हो गई AB, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी AB, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो हाइपोटेनियस AB है, 90 सामने वाले AB होंगे, तो यहाँ क्या बचा C, तो C का एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं, आ गया राइट एंगल ट्रायंगल,
हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारा जो एंगल सी पूछा था, एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री, बता देना, बात खत्म, क्लियर। इतना सा था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम आते हैं भाई हमारे लास्ट टाइप में, जो कि क्या है, टाइप एट, ठीक है, स्टैंड वालों के लिए है, बिल्कुल ध्यान समझना। साइड ए बी एंड बी, कहाँ देखिए, ए बी और बी, ये है ए बी और ये है बी, ठीक। साइड ए बी एंड बी ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, जहाँ पर राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिस पर राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, हमको ये बताना है कि हम जो ये स्क्वायर बना रहे हैं, ये स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर एफ डी जी बी, इसका नाम क्या है, एफ डी, ये पॉइंट है जी और ये है बी, एफ डी जी बी, ठीक, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल, वो बड़े से बड़ा स्क्वायर बताओ जो इस ट्रायंगल के अंदर फिट हो जाए, अगर वो फिट हो गया तो उसकी साइड बता दो, क्लियर। चलो देखते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना, समझोगे। देखो भाई एक चीज़ बताओ, अगर मैं बोल दूँ ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए हमने देखो ये बता दिया सारी साइड्स इक्वल है। अगर मैं इसको x ले लूँ, ठीक, तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, क्लियर हुआ इतना। अब ध्यान समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया x, कितना हो गया x, ये पूरा कितना था, 16 था कि नहीं था, था 16, अगर ये पूरा 16 था तो भाई ये कितना होगा, ऐसे समझना, आपने यहाँ से निकलना चालू किया, आपको अपने घर तक जाना है, ठीक भैया, आप निकल गए यहाँ से, आपने बोला हम घर जाके रहेंगे आज, ठीक है, घर पहुँचे, आपको पता है कि यहाँ से आपके घर तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, ठीक, आपको पता है भाई यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे मुझे नाश्ता करना है, ठीक है, चाय कॉफ़ी करेंगे भाई, 10 किलोमीटर जाना है, बहुत दूर है, तो यहाँ पे जब चाय नाश्ता करने रुके तो 3 किलोमीटर पे रुके, अब घर कितना बचा बताओ, 7 बचा, तो 7 आया कैसे, इस पूरे में से आपने इस 3 को माइनस किया होगा तब तो 7 आया होगा ना, वैसे ही देखो इस पूरे में से इस एक्स को माइनस कर दूँ तो ये जो है 16 माइनस एक्स आएगी कि नहीं, मतलब ये जो ए एफ है ये कितनी आ गई, 16 माइनस एक्स आ गई कि नहीं आ गई बताओ, वैसे ही वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं तो देखो भाई ये तो एक्स है तो ये कितनी होगी, पूरी कितनी है 8, उसमें से एक्स माइनस कर दो तो ये हो जाएगी भाई 8 माइनस एक्स, तो जो जी ई आ गई वो क्या आ गई, 8 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो हमें दो ट्रायंगल मिल गए, कौन कौन से, एक तो ये ट्रायंगल, ये वाला भाई ये, और एक ये छोटू सा ट्रायंगल ये डी जी ई। तो अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूँ तो ए एफ डी एंड डी जी ई, देखो ए एफ डी, ठीक, और कौन सा ट्रायंगल डी जी ई, क्या मैं इनको सिमिलर रख दूँ, ठीक। अब ध्यान समझना, जब मैं इनको सिमिलर रखूँगा तो पहले देखना कहाँ पर क्या क्या होगा, भाई ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक, आया समझ में। अच्छा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन जाती है और कोई इनको कट करती है, ठीक, तो ये दोनों पैरेलल लाइन थी, इसने कट किया तो ये वाला एंगल सारे एंगल के इक्वल हो गया, कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्ड एंगल, कौन सा एंगल होता है भाई, करस्पॉन्ड एंगल, ठीक है समझ में। अच्छा तो इस एंगल के सामने क्या है, 16 माइनस एक्स अपॉन, ठीक, इस एंगल के सामने क्या है, एक्स, क्लियर, 90 डिग्री के सामने तो हमारे कोई काम का नहीं है, काम का है क्या, नहीं है, तो ये वाले एंगल के सामने 16 माइनस एक्स और यहीं पे ये वाले एंगल के सामने क्या आ गया, एक्स, क्लियर, इतना आया समझ में। अब देखो
जो बच गया क्या भाई, ए। ए के सामने क्या है, एक्स जो बच गया उसके सामने क्या है, 8 माइनस x। तो हमें ये समझ में आया कि जो ए है वो सिमिलर पॉइंट होगा किसका, इस डी का। तो जहाँ पर ए था वहाँ पर क्या जाएगा भाई, डी। क्लियर है, जो यहाँ पे ए था वो काम यहाँ पे कौन कर रहा था, डी। जो काम यहाँ पे डी कर रहा है वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ई। जो काम यहाँ पे एफ कर रहा है वो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, जी। ये हो गया सिमिलर, आया समझ में। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, 16 माइनस x इंटू 8 माइनस x, x इंटू x बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो देखो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 128। 16 इंटू माइनस x -16x, 8 इंटू माइनस x -8x, माइनस और माइनस प्लस, x इंटू x एक्स स्क्वायर। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे, ठीक भाई। अब देखो ये वाले एक्स स्क्वायर से वाला एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, सो 128 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 24x आ जाएगा, 16 प्लस 8 24, ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया। इक्वल में क्या है, ज़ीरो। जब ये 128 यहाँ से वहाँ घूम कर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, -128 हो जाएगा कि नहीं, माइनस से माइनस काट डालो, मल्टीप्लाई वैल्यू किस में जाएगी, डिवाइड में, तो एक्स क्या जाएगा 128/24 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ठीक। 8 से कट कर देते हैं, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, बचा कितना भाई 4, 8 6 जा 48। तो जो एक्स आ गया उसकी वैल्यू क्या आ गई, 16/3। तो हमसे यही तो पूछा था ना, क्या पूछा था हमसे, एक्स की वैल्यू निकालने को तो पूछी थी ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 16/3। तो यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 16/3। तो ये हमारा आंसर हुआ, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से निकालते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन, अब हम आ गए भाई अपने टाइप 9 पे। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना क्या बोला है। ट्रायंगल एबीसी एंड बीडी, एबीसी एंड बीडी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या, जिसके तीनों साइड इक्वल हो, तो इन दोनों के तीनों तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक। अब देखो हमने पहले बनाया ट्रायंगल एबीसी, तो ये बना लिया हमने एबीसी, ठीक बन गया। अब आगे पढ़ो ट्रायंगल बीडी, तो भाई बी तो यहीं पर है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ बनाएं, तो अब आगे पढ़ जाओ। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो ये देखो इस बी सी का मिड पॉइंट हमने क्या बना दिया, डी। ये बना दिया मिड पॉइंट, मतलब बीच का पॉइंट है ना, बन गया डी। अब हम इस पे जाओ ट्रायंगल बी डी ई, तो बी डी ई, तो देखो ये बी डी और ये ई। अब आप बोलोगे ये यहाँ भी तो बन सकता था, पर यहाँ बनता तो ये ई पॉइंट कहाँ पे आता, यहाँ पे आता। पर ऐसा कहीं उन्होंने कुछ बोला है क्या कि ई पॉइंट इस लाइन पर हो, इस साइड पर हो कहीं पर, ऐसा कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला, तो ये आ गया ठीक। अब उसने बोला है रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी। उसने कहा है भाई जो एरिया है ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का, और जो एरिया है ट्रायंगल बी डी ई का, ठीक, उस ट्रायंगल का आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। बता देंगे रेशो, रेशो तो वही अपॉन मतलब रेशो, ठीक समझ गए। अब देखो तो रेशो बताना है, रेशो बता देंगे पहले, ये तो निकाल लें, ये निकलेंगे रेशो अपने आप निकल जाएगा। अब बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, याद रखना एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 × a² क्या होता है, √3/4 × a² तो देखो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, √3/4 × देखो अगर मैं इस पूरी साइड को a लूँ, क्या
क्या लूँ, ए लूँ, ए ए तो ले चुके हम। इस पूरी साइड को अगर मैं एक्स ले लूँ, ये वाली पूरी एक्स ले लूँ, तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट हुआ मतलब टू इक्वल पार्ट में बांट देगा, मतलब इसको एक्स बाई टू कह दूँ। समझना कैसे, ये पूरी एट थी तो ये उसकी आधी हो जाएगी कि नहीं, तो अगर ये पूरी एक्स है तो ये उसकी आधी हो जाएगी कि नहीं एक्स बाई टू, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन इसका एरिया रखो रूट थ्री बाय फोर इंटू इसकी साइड क्या है भाई, एक्स बाय टू होल स्क्वायर। रूट थ्री बाय फोर से रूट थ्री बाय फोर क्या हो गया, कट आया समझ में। ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा, एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर बचा। देखो अगर मैं इस स्क्वायर को ओपन करूं तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर। बताओ दिख रहा है, देखें जरा, हाँ दिख तो रहा है। अब भाई अपर पार्ट रिमेन सेम, जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेम रहेगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, चेंज मतलब रेसिप्रोकल। तो एक्स स्क्वायर बाय फोर का क्या हो जाएगा, फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट, तो नीचे क्या बचा वन, मतलब फोर बाय वन, मतलब जो रेशो आ गया वो क्या आ गया, फोर रेशो वन। तो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। अब आप बोलोगे वन रेशो फोर क्यों नहीं आया, फोर रेशो वन ही क्यों आया, समझना। पहले किसका नाम लिया था, ए बी सी का, ए बी सी बड़ा होगा, बी डी सी क्या होगा छोटा होगा, तो पहले हमने ए बी सी रखा था फिर बी डी सी रखा था, तो रेशो आया फोर रेशो वन। ठीक, तो भाई इसको बिल्कुल ध्यान से समझो। अगर मैं इसको ऐसे भी समझाऊँ ना आपको, देखो ये ट्रायंगल है, इसको मैं यहाँ पलटाऊँ तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ से यहाँ बनेगा, एक ऐसे यहाँ बनेगा, तो कितने ट्रायंगल हो गए, वन टू थ्री फोर हो गए, फोर वन टू थ्री फोर, क्लियर। इसको ऐसे भी समझ जाओ, समझो इसका एरिया वन, इसका ही वन, इसका ही वन, इसका ही वन, और इसका भी क्या है वन। तो अगर मैं पूछूँ ए बी सी का एरिया बताओ, तो भाई आप बोलोगे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर आ गया फोर। मैं बोलूँ बी डी ई का एरिया बताओ, बी डी ई का, तो आप क्या बोलोगे वन, फोर रेशो वन हमारा आंसर, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आया समझ में। तो यहाँ पर भाई हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इन चैप्टर के अच्छे से नोट्स बना लेना, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये फिर से बता दीजिए। ठीक है, सो नाउ एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।